I'm Soma here from Sleepless Bakery. आज हम बनाएंगे yummy side dish with damalu. Okay? So start the recipe. Damalu के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 grams मैंने आलू लिया है, छोटे छोटे आलू जो होता है ना, उसको मैंने नमक दे के उबाल लिया है, बस उतना ही. अभी मैंने हम लोग तेल में इसको फ्राई कर लेंगे. और इसको ना आप लोग थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए मैंने ऐसा फोक से ना इसको थोड़ा सा ऐसा प्रिक कर दिया है, तो इसमें हम जो मसाला देंगे ना तो अच्छा से वो इनसाइड में जाएगा और अच्छा वो टेस्ट आएगा. इसे मैंने पिक कर लिया है, ठीक है. ये कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट उससे अच्छा टेस्ट आता है, और कुछ नहीं. तो मैंने तेल में ना मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल दिया है, उसको हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है. हम लोग इसको हमें नमक दे के बॉइल किया था. अब यहाँ पर कच्चा आलू भी ले सकते हो, बट वो टेस्ट उसमें हम लोग नमक देके मैंने उबाल लिया है, ठीक है. अभी हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है. मीडियम हीट ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर आने तक फ्राई कर लेंगे इसको. हम लोग आलू अच्छे से कलर दे दिया है, देखिए गोल्डन कलर आ गया है लाइट, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे आलू. पूरा आलू को ड्रेन ऑफ कर लेंगे ऑयल से. अब इसी ऑयल में जो हम लोग का ऑयल बचा है उसमें हम लोग 1 टेबल स्पून हम लोग यहाँ पे घी देंगे, बिकॉज ये रॉयल थोड़ा डिश है और इट इज़ कश्मीरी, यू नो, दम आलू है, सो अच्छा सा टेस्ट आता है उसमें, इसलिए हम लोग थोड़ा सा घी दिए इसमें 1 टेबल स्पून, बस उतना ही, ठीक है. उसमें हम लोग अपना मसाला डालेंगे, दैट इज़ ये हम लोग का है ड्राई चिली, जो रेड चिली होता है मैंने टुकड़े में काट लिए है. 1 टीस्पून मैंने जीरा दिया, अक्खा जीरा, 4 छोटी इलायची, काले ममचो एंड दालचीनी एक स्टिक मैंने कूट लिया है, और 5 मैंने छोटा छोटा लवंग ले लिया उसको भी कूट लिया है, एंड ब्लैक पेपर एंड तेज पत्ता, ठीक है. इसे हम लोग इसमें डाल देंगे. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज के ऑनियन चॉप किए मैंने एंड 2 ग्रीन चिलीज, ठीक है, ये हम लोग इसमें दे देंगे. इसको हम लोग थोड़ा भून लेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर पिंक कलर आने तक, ठीक है. पिंक कलर आने तक इसको थोड़ा हम लोग भून लेंगे. ऑनियन को पिंक कलर अच्छे से आ चुका है, इसमें हम 2 मीडियम साइज को टोमेटो चॉप करके देंगे, ठीक है. इसको थोड़ा हम लोग सॉटे करेंगे जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए. इसमें हम लोग टोमेटो में नमक डाल देंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, जल्दी से इसमें टोमेटो में टेस्ट अनुसार स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और हल्दी जैसा आपको लगे. मैं यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी दे रही हूँ. इसको अभी हम लोग थोड़े सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, ढक के पकाएंगे तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, गल जाएगा टमाटो. मेरे टमाटो गल चुका है. अभी हम लोग यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट देंगे, जिंजर पेस्ट देंगे 1 स्पून, ठीक है. गार्लिक पेस्ट भी 1 स्पून, ठीक है. ये दोनों यहाँ पे इक्वल दिया है, जितना जिंजर दिया उतना मैंने गार्लिक पेस्ट दिया है. इसको थोड़ा अभी हम लोग सॉटे कर लेंगे, ओके. चलो कच्चापन इसका निकल जाए तब तक हम लोग इसको पका लेंगे. बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए. अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए,
और राइट साइड में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो जब मैं भी अपलोड करूँगी फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको आए, ठीक है। इसका भी हम लोग थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे, कच्चा पर निकल जाएगा इसका बीज लगा देंगे इसका। और मसाला देखिए फ्राई हो चुका है, हम लोग इस बीच में ना थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन पीस देंगे, वो टेस्टी बनता है इसमें, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाफ कप जैसे दे रही हूँ, ओके। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वॉन्ट देंगे जो आपको पसंद नहीं है तो मत दीजिए, ठीक है। इस स्टेज में इसको देने से क्या ये भून भी जाएगा, ओके। इसका हम लोग थोड़ा इस मसाला में थोड़ा पका लेंगे, ओके। फिर हम लोग आगे का मसाला देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक ग्रीन पीस में। यू वॉन्ट देंगे, आप लोग को पसंद नहीं है तो मत दीजिए, ओके। ग्रीन पीस एकदम आलू में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट देता है, ओके। ये भूनते भूनते हम लोग क्या करेंगे, ये हीट को थोड़ा मीडियम करके थोड़ा दही मैंने यहाँ पे 1/4 जैसे कप भी मैंने लिया है, और उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया बस उतना ही, हाँ। और इसमें मैंने खिचड़ी डाली है मैं, ठीक है। और इसको ना चलाते रहिएगा तो पानी दे के, नहीं तो ये क्या होगा ना फट जाएगा, इसलिए लो हीट में दीजिए, नहीं तो ये फटने का टेंडेंसी रहता है। इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे हम लोग ताकि वो अच्छा से इसमें पक जाए, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा 2 मिनट इसमें पका लेंगे, बहुत अच्छा क्रीमी का टेक्स्चर आता है दही देने से। इसको अभी हम लोग मीडियम हीट में थोड़ा पका लेंगे, इसको हम लोग का दही अच्छे से मिक्सअप हो गया है। अभी हम लोग इसमें जो काजू मैंने 6 ले लिए थे, आलमंड्स लिए थे 78, और मगज जो होता है मेलन 6, वो मैंने गर्म पानी में भिगो के अराउंड आधा घंटा फिर मैं पीस लिया है बस उतना ही, ओके। हमें इसमें अभी दे देंगे, ठीक है। इसमें अभी हम लोग अच्छे से एक मिक्स देंगे, इसको अभी अच्छे से हम लोग मिक्सअप कर देंगे इसमें। दो तीन मिनट इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे, बहुत अच्छा क्रीमी का टेक्सचर आता है, ओके। इसको थोड़ा 2-3 मिनट पकाने के बाद अभी हम लोग इसका ड्राई मसाला सब देंगे इसमें, ड्राई मसाला देखिए उबलने लगा है, इट्स गिविंग ए मिक्सचर अराउंड, है ना। तो अभी हम लोग इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ओके, वो मैं 1 टीस्पून ही दूंगी, एंड रेड चिली पाउडर एवरेस्ट का, यू कैन गिव एनीथिंग जो आपको पसंद होगा, वो मैं 1 टीस्पून दे रही हूँ, क्योंकि हम लोग मिर्ची थोड़ा दो ही दिए थे चिली, ग्रीन चिली, इसको भी हम लोग अच्छा से मिक्सअप कर देंगे इसमें। पानी डालेंगे, मसाला अच्छे से पक चुका है इसी कढ़ाई में, ठीक है। तेल छोड़ने लगा है, इस तेल में हम लोग अपना आलू जो फ्राई किया हुआ आलू है वो हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्सअप देंगे हम लोग, ना इसमें गर्म पानी डालेंगे, बिकॉज द टेस्ट हम लोग को चाहिए वैसे ही हम लोग को लेना चाहिए। गर्म पानी में क्या होता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ओके। इसमें गर्म पानी डालेंगे, जिसमें हम लोग आलू फ्राई करके रखे थे ना उसी में हम लोग गर्म पानी देके ये जो तेल है ना वो सब लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। हम लोग कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो गर्म पानी किए हम लोग, ये जो बर्तन में जिसमें हम लोग आलू रखे थे उसमें हम लोग ये धो के अच्छे से इसमें डाल देंगे, ठीक है।
लेंगे अंदर इसको 5 to 7 minutes तक पका लेंगे। अब लोग पानी आप लोग हिसाब से दीजिए, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए इस हिसाब से लोग डालिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो मैं गर्म पानी डाल रही हूँ बिकॉज हम लोग को टेस्ट अच्छा चाहिए, आप लोग यहाँ पे गर्म पानी देखिए ठंडा पानी भी डाल सकते हो, बट फॉर द टेस्ट गुड टेस्ट रहना चाहिए इसलिए यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। अभी हम लोग इसको 5 to 7 minutes पका लेंगे, ना सॉल्ट सब टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग का ग्रेवी अच्छा से देखिए कंसिस्टेंसी ऐसा ऐसा मैंने रखा, आप लोग और पतला भी रख सकते हो और गाढ़ा भी कर सकते हो। यू नो शुगर बंगाली डिश इज इनकम्प्लीट विदाउट शुगर, तो मैं थोड़ा शक्कर दे रही हूँ इसमें, मैंने 1/2 teaspoon ही दिया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देंगे गरम मसाला, ओके। गरम मसाला हम लोग अपना जस्ट 1/2 teaspoon देने से भी चलेगा, बट आई एम गिविंग यू 1 teaspoon, उसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है, सो हम लोग इतना देंगे इसमें, ठीक है। सो आवर कंप्लीट हो गया रेसिपी, यम्मी रेसिपी इज कम्प्लीटेड। आप लोग इसको पराठा पूरी के साथ बहुत यम्मी लगता है, आप लोग ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्प्रिंकलर्स बेकरी, ओके। सो अभी गैस को ऑफ कर देंगे, ओके। थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, सीइंग द नेक्स्ट रेसिपी।